600 सीट जाएंगे मोदी जी। हम लोग मोदी को वोट देंगे, कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान किया गया। तो वंदे मातरम पूरा सुनाइए हमको। वंदे मातरम यही है मोदी जी। देखो उनका एक काम होता तो गिनवाया जा सकता था। चलो मैं पांच काम गिनाइए विकास के। एक मोदी जी का विकास गिनाइए ना, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पांच काम। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर इन अंधभक्तों के ऊपर, और इन अंधभक्तों की बातें सुनकर आप भी हंसी के मारे लोटपोट हो जाओगे। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना। 600 सीट जाएंगे मोदी जी। एक मिनट, भाई भाई भाई, अपने नेता है तो क्या जी, छात्र नेता है। 600 सीट कहाँ से आ गया, 543 को सीटें है। 543 को सीटें है। अच्छा वो सब छोड़िए, आपको तो समझ में आ गया कितने बड़े नेता हैं। कहने का मतलब है वो कांग्रेस से क्या दिक्कत है भाई आपको। कांग्रेस से हमको बहुत, यही कांग्रेस है भारत वंदे मातरम का अपमान किया है। कांग्रेस को वोट देंगे जी हम लोग। हम लोग मोदी को वोट देंगे, कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान किया है। एक मिनट, वंदे मातरम का अपमान किया है। वंदे मातरम क्या है, काची है? अच्छे वंदे मातरम गीत है। चलिए आपको तो पता नहीं था, हमको पता था। चलिए आप वंदे मातरम सुनाइए पूरा। वंदे मातरम अपमान यही है, वंदे मातरम अपमान हुआ है ना। हाँ। तो वंदे मातरम पूरा सुनाइए हमको। वंदे मातरम यही है, पूरा सुनाइए पूरा। हाँ सब नेता खाली बड़ी बड़ी पार्टी को बदनाम कर। 2024 में मोदी जी आएंगे। अच्छा मोदी जी, देखो उनका एक काम होता तो गिनवाया जा सकता था। ठीक है चलो मैं पांच काम गिनाइए विकास के। एक पांच काम गिनाइए ना विकास। अरे मोदी जी का विकास गिनाइए ना, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पांच काम गिनाइए। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं नहीं बताऊंगा। पांच काम गिनाइए मोदी जी के, आप कह रहे हैं विकास किया है नहीं, आपके पास विकास का क्या काम किया मेरे हिसाब से। अब इस बार कहा है 400 पार तो होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये 400 पार तो अभी छोटा है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बड़ा अच्छा सवाल है कि नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में 400 पार करेंगे। जब इस देश के जवान शहीद हो गए तब तो 300 पार करने में इतनी तकलीफ हो गई थी आपको, 400 पार करोगे कहां से। उत्तर प्रदेश में आप पा नहीं रहे, महाराष्ट्र में आप पा नहीं रहे, पश्चिम बंगाल में आप पा नहीं रहे, बिहार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी आप जीतने जा नहीं रहे। तो धन्यवाद आपको पद्मजा जी, आपके चैनल को और तमाम सारे लोगों को। कम से कम टीवी चैनल पे तो बीजेपी 400 पार कर रही है। जनता 400 पार करने नहीं जा रही है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून देश को मिलेगा सुकून।